अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ बीफ कोयला कढ़ाई। सोचा आप यहाँ शेयर कर दूँ। तो कढ़ाई में हमें ले लिया है गोश्त, उसमें मैं डाल दूँगी नमक 1 चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 ग्लास पानी, ठीक। और ये तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मैं कर दूँगी मिक्स। और ये चला गया है पानी इसके अंदर, उसको कर रही हूँ मैं अब मिक्स, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे कवर कर दें, ढक्कन ढक दें। 25 से 30 मिनट में बॉयल हो जाएगा। उसके बाद मैंने 3-4 प्याज ले लिए हैं, टोमेटो है। प्याज को हल्के से सौते कर लेंगे, मतलब लाइट सा बिल्कुल ना। उसमें 3-4 अदरक मैंने हरी चिली डाल दी है, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन मेरी गोश्त में भी ऑलरेडी डाला था, तो 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने कुछ टोमेटो लिए हैं 1/2 kg, उसको मैंने छील के कट कर लिया है। आप देख सकते हैं उसको सारे छिलके में उतार दिए, क्योंकि वो फिर भूनते वक्त बहुत मसला करते हैं। सारे टमाटर इसमें डाल देंगे और उसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। और तमाम टमाटर डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, उससे हमें भूनने में आसानी होती है। तो उसे मैं सारा मिक्स करने के बाद इसे मैं ढक दूँगी और फिर डालूँगी इसमें स्पाइस। स्पाइस में डालूँगी 4 मिक्स मसाले मैंने साथ से बनाए हैं, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। ये मसाले हम ऐड करते हैं। उसके पास एक गोश्त है जो हमने स्टार्टिंग में बॉईल करके रखा था अदरक लहसुन के साथ, वो है। अच्छा, हम टोमेटो को अच्छे से चमचे की मदद से इसको अच्छे से पीस रहे हैं, ताकि अच्छे से यकजान हो जाएंगे। और मिक्स करने के साथ हमने सारे इसमें स्पाइस इसमें डाल दिए हैं। और देखिए, इसमें आपको लाइट लाइट से ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें डाल देंगे अपना उबला हुआ गोश्त और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, अच्छी तरह से, ताकि सारा मसाला गोश्त के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। और उसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, सारा मिक्स करेंगे इसे, ठीक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है मुझे। और हम साइड चूल्हे पे रख देंगे कोयला। इसे अच्छी तरह तपाने के बाद इसको हम 1 चम्मच तेल डाल के ना, ताकि इसमें धुआं निकलेगा, वो हमने इसे कवर कर दिया है, क्योंकि भाप कोयले की है, कोयला डिश है। भाप इसे मिल चुकी है और मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ। ऑयल आपको ऊपर दिख रहा होगा, हमारी डिश तैयार है। इसे कोयले का भाप मिल चुका है और मैं गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिली डाल रही हूँ। उसमें अदरक ये बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं। मेरी डिश है तैयार। आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।